दोस्तों हम जो भी चाहते हैं आकर्षित कर सकते हैं। हम पिछले दो वीडियोस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण के नियम के बारे में बात कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपनी चाहतों को पूरे ब्रह्मांड के द्वारा अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेथड ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों जैसे रेडियो की फ्रिक्वेंसी सही चैनल पर जाते ही उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगती है, वैसे ही यदि हमारे विचार और भावनाओं की फ्रिक्वेंसी मिल गई तो आपका वही विचार आपका जीवन भी बदल सकता है। इन दोनों फ्रिक्वेंसियों को मिलाने के लिए आपको उस विचार को अपने मन में दोहराते रहना चाहिए। सिर्फ विचारों को मन में दोहराने की ही नहीं बल्कि उनको महसूस करने की भी कोशिश कीजिए कि जब आपका वो विचार सच हो जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। आप जिस भी विचार को सच होता हुआ देखना चाहते हैं ब्रह्मांड से उसकी मांग करें। अक्सर जब मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए तब उनके पास कोई सटीक उत्तर ही नहीं होता है, या बस यही कह देते हैं कि हमें तो सिर्फ खुशियाँ ही चाहिए। ईमानदारी से कहूँ तो ये उत्तर तो मेरे ही समझ में नहीं आया, फिर ये पूरा ब्रह्मांड कैसे समझेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही फोकस रहना होगा। उदाहरण के लिए अगर आपको एक नई कार चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि किस ब्रांड की कार चाहिए, कौन सा मॉडल होना चाहिए और कौन सा कलर होना चाहिए। हमारे अवचेतन मन को तर्क वितर्क करना नहीं आता, हम उसे जो भी विचार देते हैं वह बस यह देखता है कि हम उस चीज को कितने शिद्दत से चाहते हैं। आपकी समझ से वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन आपके उस विचार को जीवंत करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। तो आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले उसके सारे पहलुओं पर विचार करना होगा। आपका लक्ष्य जितना साफ होगा उसे पूरा करने में उतना ही कम समय लगेगा। आपका लक्ष्य जितनी गहराई से अपने मस्तिष्क में उतरता जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही तेजी से आपके लिए काम करेगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग हम कैसे करें और चीजों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करें। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करने के लिए हमें अपने अवचेतन मन में वो चीजें डालनी होंगी जो हम पाना चाहते हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है कि हम किसी भी विचार को अपने अवचेतन मन में बस कुछ ही दिन में डाल सकते हैं। जब हम रात में सोने जाते हैं तो सोने से बस 10 या 5 मिनट पहले हमारा मस्तिष्क चेतन मन से अवचेतन मन में प्रवेश करता है और यही सेम प्रक्रिया सुबह उठने के 5-7 मिनट बाद की होती है जब अवचेतन मन से चेतन मन में प्रवेश होता है। तो दोस्तों बस यही वह समय है जिस समय आप किसी भी बात को अपने अवचेतन मन में प्रवेश करा सकते हैं। उसके लिए आप अपने एम की एक लिस्ट बनाएं और अपनी सारी इच्छाओं को विजुलाइज करके फील करें और सोचें कि मैं ये सब पा चुका हूँ। जो फील आपको पाने के बाद मिलता वही फील आप महसूस करें और लगातार अपने प्रयासों के साथ इसको विजुलाइज करें। फिर आप कुछ समय बाद देखेंगे कि ये पूरी प्रकृति आपकी किसी न किसी रूप से मदद कर रही है, आप अपनी चाहत को सही तरीके से विजुलाइज करके पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट 3 कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।